तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपने चैनल मियाँ जी रिएक्शन टीवी पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ मियाँ जी पंजाब पाकिस्तान से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही मज़े और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में हम देखेंगे जी पाकिस्तान के अंदर नई डेवलपमेंट क्या हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आपको पता काफ़ी कुछ बन रहा है, और ओरिजिनल ट्रेन जो है उसका इफ्तिताह हो चुका है, और अभी आजमाइशी तौर पर जो है उसको चला दिया गया है, तो उसकी सैर करेंगे। और ऐसी वीडियो मैं दावा करता हूँ कि आपने पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तक इस पर वीडियो किसी ने बनाई। अब देखें कि पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हुई है, और कैसी ये ट्रेन है, कहाँ पे चल रही है, क्या सूरत हाल है। चाइना ने ये मिलके पाकिस्तान के साथ बनाई है, और बहुत ही खूबसूरत बनाई है। अभी तक ये सिर्फ लाहौर के अंदर ट्रेन को बनाया गया है, और अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो फिर मज़ीद पाकिस्तान के और भी सिटीज़ में इस पर काम किया जा सकता है। इंडिया में भी जैसा कि आपको पता है मुख्तलिफ ट्रेन चल रही हैं, उनकी भी मेट्रो ट्रेन चलती है, लेकिन ये ओरिजिनल ट्रेन है, नई बनी है, लेटेस्ट बनी है। देखेंगे इसमें उसमें डिफरेंस क्या, कंपैरिजन करेंगे, और तो वीडियो के एंड पे हम इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि इंडिया की ट्रेन ज़्यादा अच्छी है, पाकिस्तान की ट्रेन ज़्यादा अच्छी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वजह क्या है, चेक करते हैं। और आप टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं, तो देखते हैं जी कि पाकिस्तान में जो ओरिजिनल ट्रेन बनी है लाहौर के अंदर वो कैसी बनी है, और किस तरह की है, क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। लेट्स प्ले द वीडियो। खूबसूरत से ब्रिजेस ट्रेन के, ओरिजिनल ट्रेन के, क्या बात है। ये स्टेशन है जी ओरिजिनल ट्रेन का, ये बाहर से व्यू है स्टेशन का, ये अंदर से व्यू है। क्या लग्जरी स्टेशन बनाया यार, मजा आ गया। ऐसे लंदन का जैसे स्टेशन होता है, क्या बात। ये टिकट सिस्टम लगा हुआ है, एलसीडी लगी हुई है खूबसूरत सी। खूबसूरत है यार स्टेशन, ये सारी लाइन जा रही है, फ्लाईओवर सारे, ओ क्या बात है, ट्रेन जा रही है जी। रेलवे स्टेशन के ऊपर से बोल जा रहा है। खूबसूरत लाहौर, खूबसूरत ट्रेन, जबरदस्त अंडरग्राउंड। ऐसे ही लग रहा है जैसे यूरोप कंट्री की ट्रेन चल रही है, ऐसे अंडरग्राउंड स्टेशन, अंडरग्राउंड चल रही है, जबरदस्त। ये अंडरग्राउंड सिस्टम जो सारा, ये लाहौर जीपीओ चौक का जो स्टेशन है, सारा अंडरग्राउंड बना हुआ, पता ही नहीं चलता कि ट्रेन जा रही है नहीं जा रही, क्या चक्कर है क्या नहीं। स्टेशन आ गया, खूबसूरत सी मस्जिद, आई थिंक सो।
जबरदस्त, ऐसे लग रहे जैसे बाहर किसी यूरोप कंट्री में ट्रेन जा रही है। चुबुर्जी जी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, ट्रेन बहुत ही खूबसूरत बनाई है ये, चाइना के साथ पाकिस्तान ने मिलकर बनाई है, ओरिजिनल ट्रेन इसका नाम है, खूबसूरत से स्टेशन बनाए हैं, अंडरग्राउंड भी है, मोस्टली ये पुल के ऊपर चल रही है जिसे कहते हैं ब्रिजेस के ऊपर चल रही है, और अंडरग्राउंड स्टेशन इसके बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, और जो ऊपर स्टेशन है वो भी खूबसूरत है लेकिन अंडरग्राउंड ज़्यादा खूबसूरत है, और अंडरग्राउंड ट्रेन जाती है ऐसा लगता है जैसे न्यूयॉर्क सिटी की जो अंडरग्राउंड ट्रेन चल रही है वैसे जा रही है, उस तरह के स्टेशन बनाए हैं, बड़े बड़े LCDs लगाई हैं, क्लॉक्स लगाई हैं, इसके अलावा उन्होंने खूबसूरत स्टेशन बनाया, सीटिंग का प्लान किया है, सफाई का बहुत अच्छा निज़ाम है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अभी ये सिर्फ लाहौर के अंदर चली है, पूरे लाहौर के अंदर मतलब ये कवर करती है ऑलमोस्ट, और लाहौर के अंदर चली है, टिकट भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी फाइनलाइज 3 महीने के बाद ऑपरेशनल हो जाएगी, तो उसमें फिर हम इसको मज़ीद आपको टूर भी करवाएंगे। और देखा जाए तो इंडिया की ट्रेन भी अच्छी है, पाकिस्तान की भी अच्छी है, लेकिन ये भी लेटेस्ट बनी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाइना के साथ मिलकर बनी है और बहुत ज़बरदस्त पे काम हुआ हुआ है। तो अब आप वोटिंग कर रहे हैं कमेंट में, मुझे बता दें इंडिया की ज़्यादा बेहतर है या पाकिस्तान की ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे भाई आप जो है फिर वो क्या कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं यार, फिर आप बोलेंगे कि जी भाई आप फेवरिज्म कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के हक़ में बात करते हैं, इंडिया के हक़ में बात नहीं करते, तो भाई आप खुद आप मुझे कमेंट करके फैसला करके बताएं कि ये इंडिया की ट्रेन ज़्यादा बेहतर है या पाकिस्तान की बेहतर है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर अच्छी ना लगे डिसलाइक की ऑप्शन आपके पास है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ मियाँ जी अपने दोस्त को दें इजाज़त, मिलेगा नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें और भाई को दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मियाँ जी को दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।